हमारे सभी आत्मीय परिजनों को नमस्कार। माता भगवती प्राकृतिक आहार केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आपने अभी तक बहुत सारे रसाहार सीखे हैं, आइए आज हम कुछ बहुत ही विशेष रसाहार सीखने जा रहे हैं। हमारी आदरणीय सुश्री शोभना जी तथा हमारी सहयोगी दीदी इसमें सहयोग करेंगे, तो आइए जो बहुत ही विशेष है आप अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और इसको देखिएगा, ये बहुत ही लाभप्रद है। इसका नाम है त्रिगुणातीत। तो चलिए आइए हम आदरणीय शोभना जी से हम सीखते हैं कि कैसे उसको बनाते हैं, उसके क्या लाभ हैं, किस प्रकार से उसको बनाया जाता है, क्या क्या सावधानी रखी जाती है। तो आइए हम सभी उत्सुक हैं उसको सुनने के लिए। सभी को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा। यहाँ भी ठंड बहुत पड़ रही है, आप सब लोग भी ठंड के लिए ध्यान रखना। और जो हम रसाहार सीख रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आंवला है, ठंड के मौसम में आंवला आता है ताज़ा ताज़ा। जो हम त्रिगुणातीत बनाने जा रहे हैं उसमें एक इंग्रेडिएंट्स, एक जो चीज़ है वो आंवला है। और आंवला प्रकृति की बहुत बड़ी अच्छी देन है, ये अमृत समान है, क्योंकि हमें जीवनी शक्ति देता है। और आंवला पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, और आंवला में विटामिन सी होता है जो हमें इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारे शरीर में, और हीलिंग देता है। तो आंवला है एक भाग। दूसरा है चुकंदर, बीट जिसको कहते हैं। अब देखो, देखने में लाल है, वैसे ही हमारे शरीर में जो खून है उसका रंग भी लाल है। तो ये चुकंदर है, वो रक्त शुद्ध करता है, रक्त का हीमोग्लोबिन भाग जो होता है वो बढ़ाता है। और तीसरा चीज़ है वो पुदीना है। पुदीना वो भी बहुत ही अच्छी औषधि है, श्रेष्ठ औषधि है, जो पेट को सही रखती है। अगर आपको एसिडिटी, गैस जैसी बीमारी है, तो अपच है या कुछ भी पेट संबंधित जो भी रोग है उसको सही करने में पुदीना का बहुत अच्छा भाग है। तो ये जो है हमारे पास, तो हमें पहले से तैयारी करके रखना है। तीनों चीज़ हमने साथ में ले ली। उसके अलावा उसमें चीनी या बूरा हम डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो लेके रखना है। पानी है और चाकू है जिससे हम काट के, इसका जो प्रमाण है वो आंवला हम एक भाग लेते हैं और बीट आधा लेते हैं, पुदीना भी उसका रस जो है वो आधा लेते हैं। तो ये दो आंवला जैसे लेंगे हम, और उसको काट के बीज निकाल करके मिक्सी में डाल देंगे, और एक टुकड़ा चुकंदर का लेंगे, उसको भी धो के काट करके डाल देंगे, और एक मुट्ठी पुदीना का 15-20 पत्ता हम ले लेंगे, धो के उसको भी डाल देंगे। और उसमें बूरा या गुड़ या चीनी जो भी डालना है वो स्वाद अनुसार डाल करके उसमें एक गिलास पानी डालेंगे, तो हमारा एक ग्लास वो जूस तैयार हो जाएगा। और त्रिगुणातीत उसका नाम दिया है, मतलब हमारे शरीर में जो त्रिदोष होते हैं उसी से रोग आता है। जो असमान होते हैं तभी उसका शरीर में विकृति आती है और रोग होता है। तो इसको तीनों जो गुण है हमारे, वात पित्त कफ, उसको समान बनाते हैं, और जिससे हम स्वस्थ रहते हैं और पीने में टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो एक जार लेंगे, ये मिक्सी जार है, उसमें एक कप पानी डालेंगे। उसके बाद ये आंवला काट के ही रखा है तो उसको डाल देंगे, दो आंवला है करीब। यदि ज़्यादा हमें बनाना है तो हम तो उस हिसाब से मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका नाप जो है वो 2:1:1, मतलब दो भाग आंवला, एक भाग चुकंदर और एक भाग पुदीना, ऐसे लेते हैं। और स्वाद अनुसार उसमें बूरा या गुड़ या चीनी जो भी डालना है वो डालते हैं। बूरा डालना ज़्यादा अच्छा है, गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी जहर है तो चीनी ना डाले तो अच्छा है। बस फिर मिक्सी चलाते हैं,
हबीब पीस करके एकदम तैयार हो गया है। अब उसको हम छान लेंगे और छान करके वो पीने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दीदी, एक प्रश्न भी उठ रहा है कि क्या इसे 12 महीने पिया जा सकता है या फिर किसी विशेष ऋतुकाल में इसको ही पिया जाता है? मतलब सीजनल है, ऋतु ऋतु में जो फल फ्रूट सब्जी आता है उसी का आप उपयोग करो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आंवला अभी आता है। गायत्री का प्रश्न था कि कभी भी हम पी सकते, पी तो सकते हैं, कभी भी पी सकते हैं, लेकिन ऋतु में आंवला ऋतु ऋतु में मतलब आता है ताज़ा आंवला। और आजकल तो क्या है कि आप कोई भी ऋतु में कोई भी फल या फ्रूट या तरकारी उगा सकते हैं, ऐसी हमारी फार्मिंग वो है, लेकिन जो ऋतु में जो होता है वो बेस्ट होता है, तो इसीलिए उस हिसाब से आप करें तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी कभी भी पी सकते हैं। ये देखिए हमारा त्रिगुणातीत तैयार है, आप कलर है इसका टेस्ट कर सकते हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी है और कलर भी कितना सुंदर है एकदम। इसमें पुदीना की खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट है चुकंदर का, थोड़ा कड़वा सा जैसा होता है, लेकिन आंवला और पुदीना मिला करके थोड़ा मीठा डालते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा दीदी, एक और प्रश्न है, ये इतना सारा जो अभी पीसा गया है तो इसका क्या कुछ उपयोग हो सकता है? नहीं, इसमें आप अपने आहार केंद्र में इसका कुछ प्रयोग करते हो और बड़ा ही टेस्टी कुछ बनाते हैं आप इसका? अभी देखिए हमने तीनों साथ में किया इसीलिए तो अब इसका कुछ नहीं होगा, या चटनी में डाल सकते हैं आप, चटनी हम बनाते हैं तो हम उसमें डाल सकते हैं, लेकिन जब हम अलग अलग जूस निकाल लेते हैं आंवला का और बीट का अलग, तो बीट की बर्फ़ी बनती है बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी होती है और गुणकारी तो बहुत ही है, क्योंकि ये रक्त हमारा शरीर का जो मेन है कि 70% तो वो सारा वो शुद्ध करता है और उसमें हीमोग्लोबिन तत्व जो होता है वो भी बढ़ाता है, तो बहुत अच्छा है। और वैसे आंवला की भी अलग से हम करते हैं तो आंवला की भी बर्फी बनाते हैं, और पुदीना है वो चटनी में डाल देते हैं, तो हम कुछ भी चीज़ें फेंकते नहीं हैं। अच्छा। उसका वेस्ट जो भाग होता है उसी का भी उपयोग कर लेते हैं। तो जैसे आपने एक प्रश्न और था कि आपने जैसे ये त्रिगुणातीत बताया है तो तीनों दोषों का वात पित्त कफ तीनों दोषों का समन करता है, तो जिनका वात बढ़ा हुआ है उनके लिए भी लाभकारी है? सभी के लिए अच्छा है। अच्छा। और स्वस्थ व्यक्ति भी पी सकता है, मतलब जिसका सब समान है तो भी वो अगर पीना चाहे तो, क्योंकि ये तो बीट हम खाने में लेते हैं, उसका सलाद भी बनाते हैं, आंवला भी है तो उसकी भी चटनी बनाते हैं, उसको आंवला को कच्चा भी खाते हैं, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो सेफ है और स्वस्थ व्यक्ति भी खा सकता है, और जिसका पेट गड़बड़ है या वात बड़ा है या ऐसा कुछ है तो वो भी ले सकता है, सबके लिए अच्छा है। अच्छा, एक और था प्रश्न, गर्भवती महिलाएं भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी दर्शक देख रहे हैं, तो क्या गर्भवती महिलाएं भी इनको ले सकती है? क्या 9 माह तक या कुछ स्पेसिफिक महीने होते हैं तब वो इसको ले सकती है? नहीं, ये तो मतलब उनके डॉक्टर के सलाह अनुसार उनको कैसे क्या लेना है वो करना है, लेकिन बीट है, आंवला है, ये सब चीज़ें तो सेफ है, थोड़ा बहुत प्रमाण मतलब लिमिट मर्यादा में वो ले सकते हैं। अति मतलब जब अति वर सर्वत्र वर जाए, मतलब जब ज़्यादा लेते हैं कि जैसे बहुत अच्छा लगता है चलो अब उसका 10 गिलास पी लो तो वो नुकसान करता है, लेकिन थोड़ा बहुत एक आध गिलास में तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते तो हैं। इसको नियमित हम ले सकते हैं कि इसका गैप होता है कि एक दो दिन छोड़ के, या फिर सुबह लेना ठीक होता है कि दिन सुबह लेना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि खाली पेट आप जितना जो कुछ भी लेते हैं उसका शोषण भी अच्छे से हो जाता है और शरीर में घुल मिल जाता है, कोष बनाने में बहुत अच्छा उसका वो रहता है, लेकिन जो भी जूस है या जो कुछ भी है प्राकृतिक आहार उसको आप कंटिन्यूस 30-40 दिन ले तो आपको उसका फ़ायदा पता चलता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो नया खून बनता है, नए कोष बनते हैं, तो वो जो है वो बनने में 30-40 दिन होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा ये त्रिगुणातीत, हम सभी इसे ज़रूर प्रयोग करेंगे। हाँ चलिए, तो ये हमारा त्रिगुणातीत कैसे बनाना वो हमने जान लिया, उसके गुण के बारे में भी जान लिया, और अभी अगले क्रम में देखेंगे, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और नमस्कार।